أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह पाक की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह सुभान व तआला के नाम से जो नहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों और मेरे चाहने वालों और मेरे जितने भी वीडियो वॉच करने वालों, उन सब के लिए हमारा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक नुस्खा आपको बताने से पहले इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनवर हर्बल फार्मा हमारा चैनल है, और हमारे जो फेसबुक के जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। और हमारा नंबर है 8801775108 8712255108। इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी हम आपको नंबर देंगे। अभी हम आपको बात ज़्यादा लंबी और करने से बेहतर है कि मुख्तसर सी बात आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मोटापा कम करने क्या नुस्खा बता पूछ रहे थे, मोटापा कैसे कम किया जाए। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले तो खाने पे एहतियात बरतें, जो समझ में आया वो खाते रहें, ये आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है। और खाने में पीने में एहतियात ही बरतें, और सुन्नत का तरीक़ा ये है कि खाने में 3 हिस्से करें, एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा ग़िज़ा का, ये सुन्नत का तरीक़ा है। ना कि हम लोग जो है ना पूरा हिस्सा खाने को ही दे दें, तो बीमारी नहीं है तो क्या आएगी। जिस हिस्से में आपको जिस मुकाम पे आपको 3 हिस्से करना है, वहाँ पर एक ही हिस्से में पूरा पानी डाल रहे हैं, पूरा खाना ही डाल रहे हैं, या पूरा हवा ही भर दे रहे, तो हवा भी भरना बीमारी है, एसिडिटी के प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पूरा पानी भरना भी बीमारी है, पूरा खाना भरना भी बीमारी है। तो लिहाजा आप लोग ये 3 हिस्से कीजिए खाने में, तो इंशाल्लाह आप लोग सेहतमंद होंगे, ना मोटापा होगा, ना दुबले होंगे, ना बीमारी आएंगी, ना दवा के पास जाना पड़ेगा, ना पैसा खर्चा करने पड़ेगा। तो आप लोग एहतियात बरते हैं। बहरहाल अब मोटे हो ही गए हैं तो उसको जो है ना दुबले होने के लिए आपको नुस्खा तो ज़रूर मैं आपको दूँगा। मुख्तसर और शॉर्ट नुस्खा ये है कि सुबह नाश्ते से पहले 2 टमाटर इस्तेमाल कीजिए, टमाटे 2 टमाटे नाश्ते से पहले साबित टमाटे खा लीजिए, और 2 घंटे तक नाश्ता मत कीजिए। ये एक नुस्खा हो गया डेली, और 2 महीने तक करना चाहिए अभी, ठीक है। और उसके 2 घंटे तक कोई चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। अगर जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये इस्तेमाल कीजिए। और एक नुस्खा है, सुबह खाने से पहले, नाश्ते से पहले नहार पेट कुनकुने पानी में शहद मिला के पीजिए, नींबू और शहद मिला के पीजिए। इंशाल्लाह ये भी 2 महीने आपको इस्तेमाल करना है, आपका मोटापा दूर हो जाएगा। तीसरी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, तीसरा नुस्खा वो ये है कि गिलोई का पत्ता आपको, आप YouTube पे सर्च कीजिए या Google पे सर्च कीजिए, गिलोई मारिए, आपको पान के पत्ते की तरह, बनारसी पान के पत्ते की तरह होता है, मेरे पास है नहीं, अगर होता तो आपको बता देता। लेकिन आप आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि Google पे मार देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। वो एक जंगली बेल होती है, अल्लाह ताला वो बेल के अंदर खासियत रखा है कि वो बेल में आपका शुगर का इलाज भी छुपा हुआ है, और कैंसर का इलाज भी छुपा हुआ है, और मोटापे का इलाज भी छुपा हुआ है। 3 किस्म के इलाज उस बेल में छुपे हुए हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर शिफा रखा है। तो इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब वो बेल आपको मिल जाए, आपके हाथ को लग जाए, तो उसके 3 पत्ते धो के आप मुँह में डाल लीजिए, और थोड़ा थोड़ा जैसा पान खाते हैं वैसे चाप के खा के निगल लीजिए, थूकना नहीं। ये हुआ
और वही बेल में आपको ये जो मैं बताया हूँ चाप के खाने का, इसके ये शुगर के लिए, और उसी बेल को आपका उसके बेल के जो काड़ियाँ होती है बेल के, एक डेढ़ फीट दो फीट काड़ियाँ लीजिए, लेके उसको कूट के रात में उसको भिगा के रख लीजिए। भिगा के सुबह में उसको, यानी दो लीटर पानी का एक लीटर, दो लीटर पानी डाल के उसका अच्छा बॉईल कीजिए, एक लीटर कर लीजिए और उसका पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह आपका मोटापा कम हो जाएगा। अब रहा उसी के अंदर कैंसर का है, उसके लिए आप ये करना है कि उसके 50 पत्ते या 60 पत्ते 70 पत्ते जैसा भी आपको हिसाब से, दो लीटर पानी में डाल के उसको अच्छा बॉईल कीजिए। बॉईल करके उसको सुबह से लेके शाम तक पीजिए, यानी एक एक गिलास करके आप तीन टाइम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके आपको मैं जो बताया हूँ, वो तीन तरीके में भी शुगर का भी इंशाल्लाह इलाज है, कैंसर का भी इलाज है, मोटापे का आपको उबाल के पीने में इंशाल्लाह उसका भी उसका इलाज है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारा ये है हयातुल जदीद, हयातुल जदीद हमारा, इसके अंदर भी आपको शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, हर चीज़ का इलाज है। और ये जो है ना, और हर थोड़ी थोड़ी देर को पीते रहेंगे तो आपको शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी से बचते रहेंगे। और ये मोटापा का भी इलाज इसके अंदर है, और आपको शुगर का इलाज भी है, यानी दुबले हुए तो भी मोटा होने का भी इलाज इसके अंदर है। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला हर मर से बचते रहिए और बचते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसका मिलने का पता है शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास, आप आइए और इसको हासिल कीजिए और कॉल करके आइए। अगर किसी को बताना है, कोई प्रॉब्लम है, अगर बात करना चाहे तो हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आइए, बगैर अपॉइंटमेंट के मत आइए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।